हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि आप लोगों को पता है, मैं सीरीज ले रहा था, 300 क्वेश्चन की सीरीज चालू है, जिसके अंदर मैं पांच टॉपिक कवर करा रहा हूँ। रॉन्ग नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर सीरीज, अप्रोक्सीमेशन, सिंपलीफिकेशन, डाटा इंटरप्रिटेशन के सारे बेसिक से बेसिक क्वेश्चन सारे करा दिए मैंने, ठीक है। तो आज मैं ऐसे एक रिविजन के तौर पर रॉन्ग नंबर सीरीज से कुछ पैटर्न सॉल्व करा रहा हूँ, ठीक है। रॉन्ग नंबर सीरीज एग्जाम्स के अंदर 5 मार्क का वेटेज रखता है, काफी इजी टॉपिक है। मतलब अगर आप लोगों को सारा बेसिक पता चलेगा तो इसी टॉपिक है, अगर कुछ पता ना हो तो आप लोगों के लिए हार्ड टॉपिक है। मैं आप लोगों को इससे पहले एक लेक्चर करा चुका हूं, जिसमें एकदम बेसिक से बेसिक आप लोगों में रॉन्ग नंबर सीरीज पढ़ा चुका हूं, ठीक है। तो मैं कुछ 5-6 क्वेश्चंस लाया हूं, सारे के सारे एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। देखते पहले क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, ओके। पहला जो क्वेश्चन है 84 के बाद क्या है 144 185 221 250 एंड 276। इसमें से हमें ऐसा एक नंबर फाइंड करना है जो इस पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है, जो इस पैटर्न को फॉलो कर रहा है। जैसे भी इसमें से कोई भी पैटर्न फॉलो कर रहा होगा ना, उसमें से एक ऐसा नंबर रहेगा जो इस पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा होगा, ठीक है। तो हमें फाइंड करना है, देखो सीरीज जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में चल रही है प्लस स्मूथली वे चल रही है, तो इसमें 90% चांस है कि जो आंसर आएगा वो डिफरेंस से मिलेगा। अगर मैं 144 में 84 माइनस करूँ तो कितना मिलता है, 140 ओके, 140 में 84 माइनस हो कितना मिला, 10 माइनस 4 6, 13 माइनस 8 56, ठीक है। अगर मैं 85 में 140 माइनस हो कितना मिलता है, हमें 45 मिलता है, ठीक है। नहीं आया सर, मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ, मैं 185 में अगर मैं 140 माइनस करूँगा तो कितना मिलता है, 45, ठीक है। 221, देखो 11 में से 8 गया तो 3, 36 यहाँ पर डिफरेंस आ गया। 50 में से 21 गया तो 11 में से 1 गया तो 9, 2 में 4 में से 2 गया तो 9 2, ठीक है। यहाँ पर समझे आप लोगों, देखो पहले डिफरेंस फाइंड करना, 56 45 36 29, ठीक है। 76 में 50 गया तो कितना बचता है, 26 बचता है, ठीक है। देखो अभी देखो सिग्नल डिफरेंस आपने निकाला तो उसमें से हम लोग समझ में नहीं आ रहा है कि एक्चुअली डिफरेंस तो जा रहा है पर स्मूथली वे चल रहा है, और एक बार डबल डिफरेंस लेके चेक करें तो आंसर मिल जाए शायद। 56 में 45 माइनस करके कितना मिलता है, 6 माइनस 5 1, 5 माइनस 4 11, 9 मिलता है, 36 में से 29 माइनस करके कितना मिलता है, 9 मिलता है, 36 में से 29 माइनस करके कितना मिलता है, 16 में से 9 गया तो 7, है कि नहीं, ऑब्वियसली बात है, तो 26 में से 26 माइनस करके कितना मिलता है, 3 मिलता है, है कि नहीं, आई माइनस 3, 9 माइनस 3, 6 मिलता है, ओके, ओके, समझ में आया कैसे मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, एकदम इजी में समझा रहा हूँ, देखो 11 9 7, 11 जो है ऑड नंबर है, उसके बाद ऑड नंबर क्या है, 9 है, उसके बाद क्या है, 7 है, तो यहाँ पर जो ऑड नंबर आना चाहिए 5 आना चाहिए, जबकि 26 है, तो 26 नहीं आएगा, इसका आंसर हो गया 27, 276 जो इस क्वेश्चन को फॉलो नहीं कर रहा है, इस पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है, 276, ठीक है। समझा मैंने क्या किया, मैंने सिंगल डिफरेंस लिया, सिंगल डिफरेंस मुझे अमाउंट मिली, तो अब मुझे समझाने की यार 56 क्या, 45 क्या, 36 क्या, 29 क्या, 26 क्या, मैंने और एक बार डिफरेंस लेके चेक किया तो मुझे 11 मिला, 9 मिला, 7 मिला, 3 मिला, तो 11 जो है ऑड नंबर है, ऑड नंबर चल रहे थे, डिक्रीजिंग ऑर्डर में ऑड नंबर चल रहे थे, 11 9 7, अगर जो ऑड नंबर चाहिए था 5 चाहिए था, जबकि वहां पर ऑलरेडी 3 दिया, तो वहां पर ऊपर में 26 रॉन्ग है, तो ऑब्वियसली बस एंडिंग में जो अमाउंट है, मतलब जैसे 276 है, वो इस पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा, ठीक है। आया सवाल मैं कैसे क्वेश्चन सॉल्व किया, मैंने एकदम इजी में समझाया आप लोगों को, ठीक है। इसी तरह पहला क्वेश्चन हो गया है सॉल्व, ठीक है। सारे के सारे क्वेश्चन मतलब जितने मैं करा रहा हूं ना, सारे एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। एग्जाम्स के अंदर आप लोगों को देखने को मिलने वाले क्वेश्चन 81 225 153 189 173 180। देखो इंक्रीजिंग, पहले इंक्रीज हो रही है फिर अचानक बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है फिर बढ़ रही है, ऐसा चल रहा है ना, तो इसके अंदर एक तो चांस होता है मल्टीप्लाई का, तो मुझे मल्टीप्लाई नहीं लगा, इसके अंदर वापस डिफरेंस का एक बार चेक कर लेते हैं। अगर आप लोग बैठे कुछ भी समझ में नहीं आया ना, तो आप डिफरेंस लेके चेक करो, आपका आंसर बैठने के चांसेस 90% बढ़ जाते हैं, ठीक है। अगर 225 को 81 से माइनस करो, 5 माइनस 1 4, 12 में से 8 गया 4, और एज इट इज 2 मतलब 1 ऐसा जाएगा, ठीक है, जो 2 का जो है 1 आ जाएगा, 144 इधर आ गया डिफरेंस, ठीक है। अगर मैं सपोज 225 में अगर 153 माइनस करूंगा तो कितना मिलता है, 72 मिलता है, हाँ मिलता है, 5 में से 3 गया 2, 22 में से 15 गया 7, तो 182 में मैं अगर 189 माइनस 153 करूंगा तो 9 माइनस 3 कितना होता है, 6 होता है, और 18 में से 50 गया तो 3, तो मुझे क्या समझ में आ रहा है, 144 का हाफ दिख रहा है 72 का हाफ दिख रहा है 36, 36 का हाफ कितना होता है 18, अगर यहाँ पर 18 पैटर्न सही बैठना चाहिए, 9 माइनस 3
9 माइनस 3 कितना होता है 6 होता है और 8 माइनस 7 6। तो यहां पर ऑलरेडी उन्होंने क्या बोला, यहां पर 16 डिफरेंस दिख रहा है और 16 का डबल 32 होता है, तो यहां पर 36 है, तो 36 का डबल यहां पर आना चाहिए 18, यहां पर आंसर आना चाहिए 18 जबकि यहां पर 16 है। तो इसके अंदर जो है 173 जो है वो इस पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है, इसके अंदर कौन सा आंसर क्या है 173, 173 इज नॉट फॉलोइंग दिस पैटर्न। ठीक है, पैटर्न समझो क्या था, पहले डिफरेंस 144, सबका जो डिफरेंस देखो डिफरेंस सबका हाफ अलग, 144 का हाफ था 72, 72 का हाफ दिख रहा है 36, 36 का हाफ दिख रहा है 18 होना चाहिए था जबकि वहां पर ऑलरेडी 16 दिया गया था, तो डिफरेंस जो हमारा 16 वहां पर 18 होना चाहिए था। ठीक है, तो 173 जो है इस पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा। ठीक है, आया समझ में, राउंड नंबर सीरीज काफी इजी है, मिसिंग नंबर सीरीज से मुझे लगता है राउंड नंबर सीरीज ज्यादा इजी है, बस आप लोगों को पैटर्न समझ में आना चाहिए। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है 195, 205, 217, 243, 285 और जो है बचा है 381 जो है एंडिंग। ठीक है, देखो अभी सबसे पहले हम लोग देखो सीरीज जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में चल रही है प्लस स्मूथली वे चल रही है, तो आंसर जो निकालने के चांसेस बढ़ जाते हैं वो है डिफरेंस से। मैं डिफरेंस आंसर चेक करता हूँ, 195 माइनस 90 कितना था 5। ठीक है, अगर 203 में से मैं 195 माइनस करूँ तो कितना बचता है 8। ठीक है, अगर मैं 217 में से 3 गया तो 14 आता है। ठीक है, अगर 143 में से 17 गया तो 13 में से 7 गया 6, 3 में से 1 गया 2, तो यहाँ पर एक मिल गया 5 8 14 26। ठीक है, 85 में से 43 माइनस करके कितना मिलता है 42। ठीक है, और 81 में से अगर मैं 381 में से अगर मैं 85 माइनस करूँ कितना मिलता है 11 में से 5 गया 6 96। ठीक है, तो इनका डिफरेंस 96 देखो 5 8 14 26 42 96, तो समझ में आ रहा है क्या पैटर्न चल रहा है। तो अगर इसमें भी समझ में नहीं आया होगा तो और ही डिफरेंस लेके चेक करते हैं, 8 में से 5 गया 3, 14 में से 8 गया 6, 26 में 14 गया 12, 42 में से 26 माइनस करके कितना आता है 12 में से 6 गया 6 और 16। ठीक है, 16 इधर डिफरेंस आता है, 96 में से 42 गया 4 और 9 माइनस 4 कितना 44। ठीक है, तो 6 माइनस 2 4 और 9 माइनस 4 5, तो 9 माइनस 5 54, 3 2 6 243 जो है इस पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, पैटर्न आपको क्वेश्चन समझ में कैसे सॉल्व किया, मैंने पहले सिंगल डिफरेंस चेक किया, मैंने 5 18 14 26 42 96, मुझे इसमें समझा नहीं कि मुझे एक पैटर्न क्या फॉलो कर रहा है, तो मैंने और एक बार डिफरेंस डबल डिफरेंस लेके चेक किया, डबल डिफरेंस में 6 3 6 12 16 54 मिल रहा है, तो मुझे ऐसा लगा 3 का 2 गुना 6 6 का 2 गुना 12 आता है, 12 का 2 गुना 24 आना चाहिए था जबकि ऑलरेडी वहां 16 दिया था, तो 16 की जगह पर यहां पर यहां चेंजेस होने चाहिए थे, यहां का चेंजेस यहां पर अफेक्ट करता है, तो 243 इज द रॉन्ग आंसर, मतलब 243 इज नॉट परफॉर्मिंग द पैटर्न ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर ये आया, सो मैं प्रॉपरली एकदम इजी में समझा रहा हूं आप लोगों को ताकि आप लोग एग्जाम से कोई भी डिफिकल्टी फेस ना करनी पड़े। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है 64 32 48 120 140 42 420 1892। ठीक है, देखो पैटर्न देखो, इसका आधा दिख रहा है, इसके पास की वैल्यू दिख रही है, इसका दो या तीन गुना दिख रहा है, इसका चार गुना दिख रहा है, तो आंसर इसमें क्या निकलेगा, मल्टीप्लाई से निकलेगा। ठीक है, 64 का मैं अगर हाफ करूंगा तो मुझे 32 मिलता है, 32 का मैं डेढ़ गुना करूंगा तो मुझे 48 मिलता है, 48 का मैं ढाई गुना करूंगा तो मुझे 120 मिलता है। ठीक है, 5 40 0 5 4 2 4 2 20 देखो मैं अगर सपोज 48 को 2 से मल्टीप्लाई करूं कितना मिलता है 96 मिलता है ना, 48 का हाफ कितना होता है 48 का हाफ होता है 24 ऐड कर दो 10 120 मिलता है कि नहीं, एक तरह से ऐसे आप लोग समझा रहा हूं मैं ढाई गुना कैसे फाइंड करते हैं, पहले 48 को 2 से मल्टीप्लाई करो 96 मिलता है और 48 का हाफ कर दो कितना मिलता है 24 होता है 24 उसमें ऐड कर दो तो 120 मिलता है। यहां तक तो पैटर्न समझ में आ रहा है मुझे, यहां अगर मैं हाफ से मल्टीप्लाई करूं, यहां से डेढ़ से मल्टीप्लाई करूं, यहां ढाई से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो आगे जो वैल्यू होगा 37 से मल्टीप्लाई करूंगा, अगर मैं 12 को 3 से मल्टीप्लाई करूं तो 36 आता है तो 360 आता है, अब 120 का हाफ कितना 60 तो 4420 आता है, तो 420 भी सही बैठ गया। अगर मैं 420 को 4.5 से मल्टीप्लाई करूंगा, 420 को 4.5 से मल्टीप्लाई करूंगा कितना मिलता है 42 into 4 करो पहले कितना 4 2 8 4 4 16 1680, 420 का हाफ कितना है 201 201
तो 1890, तो 1890 है क्या ऑप्शन? 1892 है ना, 1892 इज नॉट नॉट परफॉर्मिंग दिस आइटम। ठीक है, पैटर्न समझ में आ गया आप लोगों को। मैंने आपको क्या बोला था, सीरीज अगर हाफ चल रही हो, सीरीज अगर हाफ चल रही हो और उसके बाद डेढ़ गुना दिख रही है, उसके बाद क्या हो रहा है, डबल डबल डिफरेंस दिख रहा है, चार डिफरेंस दिख रहा है, आठ डिफरेंस दिख रहा हो, अगर ऐसे में कुछ सीरीज चल रही हो ना, तो आंसर हमेशा जो निकलेगा वो हमेशा निकलेगा 0.5 के मल्टीप्लाई से निकलेगा आंसर। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया 1892। ठीक है, मतलब 1892 इज नॉट परफॉर्मिंग द करेक्ट पैटर्न ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इसका आंसर आ गया 1890। ऑलरेडी इसका आंसर क्या होना चाहिए था, 1890 होना चाहिए था, जबकि ऑप्शन के अंदर कहते हैं 1892 दिया। ठीक है, आया समझ में, कैसे सॉल्व किया मैंने। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है 728 839 958 1058 1222 and 1363। देखो अभी ये क्वेश्चन देखते आप लोगों को डायरेक्ट क्लिक हो गया होगा, ये किसी ने किसी स्क्वायर के पास की वैल्यू देख रही है। एक तरह से आप लोग ये ऐसा लग रहा होगा कि सीरीज जो इंक्रीजिंग ऑर्डर में चल रही है, स्मूथली में चल रही है, तो आपने डिफरेंस निकाल चेक करोगे। पर मेरा मानना है जिन लोगों को स्क्वायर रूट लर्न होगा ना, वो बंदा ये देखते उड़ा देगा क्या है। ये मुझे लग रहा है 27 का स्क्वायर क्या होता है, 729, 729 माइनस 1 728। अगर मैं 29 का मैं अगर सपोज स्क्वायर निकालूंगा तो 841 आता है, 841 माइनस 2 करूंगा तो 839 आता है। ठीक है, 27 29, 31 का स्क्वायर आना चाहिए, 31 का स्क्वायर 961 माइनस 3 तो 958। सपोज 33 का स्क्वायर क्या है, 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0
that the which pattern is following this question. ठीक है, you have to understand this. तो इसके अंदर मैंने देखा कि 27 का स्क्वायर माइनस 1, 29 का स्क्वायर माइनस 2, 31 का स्क्वायर माइनस 3, 33 का स्क्वायर माइनस 4, 35 का स्क्वायर माइनस 5. तो 35 का स्क्वायर इज 1225. 1225 इफ वी माइनस बाय 5 द आंसर विल गेट 1222. तो 1222 इज नॉट परफॉर्मिंग द दिस पैटर्न. ठीक है, यू फॉर आई होप यू हैव अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन. ठीक है, 1222 इज नॉट परफॉर्मिंग द करेक्ट पैटर्न ऑफ दिस क्वेश्चन. ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? 3, 5, 13, 43, 173, 891. So listen carefully. If the pattern is in increasing order, then the difference is correct answer. If we find in difference way, then the answer will be get. ठीक है, 3, 5, 13, 43, 175, 891. ठीक है, तो अगर suppose increasing order में चल रहा है, अगर डबल डिफरेंस दिख रहा है, चार डिफरेंस दिख रहा है, देखो तीन का पास के लिए पांच, पांच को डबल दिख रहा है 13, 13 को तीन गुना दिख रहा है 42, तो मुझे अगर लग रहा है कि मल्टीप्लाई से निकलेगा तो देखते हैं. 3 1 3 5 5 2 10 3 13 13 3 42 plus 13 3 39 plus 4 43. अगर 43 में अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा 1 1 2 plus 3 13 13 plus 4 43 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
तो आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू।